हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फ्यूचर ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, बेस्ट क्वेश्चन का सीरीज लेके मैं आपकी समझ आ गई हूँ। आप सभी भी तैयार हो जाइए अपना स्कोर चेक करने के लिए। एंड दोस्तों, यदि आप फिजिकल एजुकेशन के किसी भी कंपटीशन एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे यूपी टीजीटी पीजीटी हो, यूपी एलटी ग्रेड हो, चाहे एमपी टेट हो, एमपी सुपर टेट हो, चाहे आपका अदर स्टेट की टीजीटी पीजीटी हो, चाहे केवीएस एनबीएस हो, सभी से रिलेटेड मेरे चैनल पे टॉपिक वाइज थ्योरी सेशंस एंड टॉपिक वाइज एमसीक्यू, वन लाइनर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सभी चीजें मिल जाएंगी। चैनल पे चेकआउट कीजिए प्लेलिस्ट में जाकर के। एंड दोस्तों, डेली बेसिस में मैं आपको बेस्ट क्वेश्चन को प्रैक्टिस करा रही हूँ। डेली प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस ही अभ्यास इंसान को महान बना सकता है। जैसा कि आपने पुरानी कहावत भी सुनी है दोस्तों कि करत करत अभ्यास ते जमत होए सुजान, रसरी आवत जात ही सिल्पर परत निशान। जब वो रस्सी जो पत्थर पर निशान बना सकता है बार बार प्रयास करने पर, तो आप तो कुछ भी कर सकते हैं, आप तो इंसान है दोस्तों। तो इसी जोश के साथ आज का सेशन शुरुआत करती हूँ। दोस्तों, आप सब रेडी हो जाइए। जैसा कि दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने एक क्वेश्चन का आंसर गलत दे दिया है, सॉरी इसके लिए। क्वेश्चन है दोस्तों, पिछला क्वेश्चन का मैं रिविजन करा दे रही हूँ। भारत में स्कूल स्वास्थ्य सेवाएं कब आरंभ की गई थी? गलती से मैंने इसका आंसर 1962 बता दिया है। इसका राइट आंसर है, भारत में स्कूल स्वास्थ्य सेवाएं 1909 में आरंभ की गई थी बड़ौदा में। ठीक है, चलते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। तो आप सभी लोग, 50 क्वेश्चंस का सीरीज है, शुरू से लास्ट तक देखिएगा। सभी क्वेश्चंस आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसा कि डेली बेसिस पे जो वीडियो देखता है उसको खुद पता है। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है दोस्तों, जिम्नास्टिक सबसे अधिक लोकप्रिय थी, जिम्नास्टिक सबसे अधिक लोकप्रिय कहाँ थी? दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, जब सारी शिक्षा का इतिहास पढ़ेंगे तो वहां जर्मनी का इतिहास जब पढ़ेंगे तो उसमें सबसे ज्यादा जिम्नास्टिक ही पाया जाता है। तो सबसे ज्यादा लोकप्रिय जिम्नास्टिक कहाँ पे थी? तो जर्मनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लेटो को जनक के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों, प्लेटो जो है आदर्शवाद यानी आइडियोलिज्म के जनक हैं, एंड प्रकृतिवाद के जनक हैं रूसो, एंड वास्तविकतावाद यानी प्रैग्मेटिज्म ड्यूइज्म के जनक हैं, व्यवहारवाद के जनक हैं जान ड्यूई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव की सर्वाधिक सामाजिकता प्रक्रिया है, मानव की सर्वाधिक सामाजिकता प्रक्रिया है। यहां भी दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सामाजिकता प्रक्रिया में सामाजिक समझ। क्या? सामाजिक समझ यानी कि सोशल अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृद्धि और विकास के प्रबल मुख्य घटक फैक्टर्स कौन हैं? तो दोस्तों, वृद्धि और विकास को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है अनुवांशिकता एंड वातावरण। तो दोस्तों, अनुवांशिकता वातावरण यहाँ पे दिया नहीं है, अलग अलग करके दिया है। तो अलग अलग में सबसे ज्यादा प्रभावित करेगा आपका वातावरण यानी इन्वायरमेंट। जैसा आपका इन्वायरमेंट रहेगा उसी प्रकार आप ढल जाएंगे, उसी प्रकार आपका वृद्धि और विकास होगा। अगर दोनों रहता अनुवांशिकता एवं पर्यावरण यानी कि हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंटल, तो दोनों आपका राइट होता, लेकिन यहाँ पे एक दिया है तो उसमें से सबसे ज्यादा कौन प्रबल मुख्य घटक है? तो वातावरण। ठीक है, जैसा कि आपने वातावरण के मुख्य सबसे ज्यादा समर्थक के रूप में आप जानते हैं, तो वाटसन ने कहा था कि तुम मुझे कोई भी बच्चा दे दो, मैं उसे कुछ भी बना के दिखा सकता हूँ, चाहे डॉक्टर इंजीनियर कुछ भी, चाहे चोर डकैत कुछ भी बना के दिखा सकता हूँ। तो उसने वातावरण को मेन माना है वृद्धि और विकास में। नेक्स्ट, ओलंपिक आदर्श सिटियस अल्टियस फोर्टियस के शब्द किसके द्वारा रचे गए थे? दोस्तों, तो इसको बनाए हैं फादर हेनरी डिडान ने। ठीक है, सिटियस अल्टियस फोर्टियस, जिसे कहते हैं फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर, और तेज और ऊंचा और बलशाली। और चौथा जुड़ गया है कम्युनिटर, जिसका अर्थ होता है टुगेदर यानी साथ में। नेक्स्ट है, सूची एक को दो से आपको मिलाना है और फिर उसके बाद सही आंसर को टिक करना है। दोस्तों, जैसा कि यहां पे ऑप्शन है, स्पार्टन शिक्षा की औपचारिक पद्धति, जो स्पार्टा में शिक्षा की औपचारिक पद्धति थी वो क्या थी? दोस्तों,
तो स्पार्टा में शिक्षा की औपचारिक पद्धति को बोला जाता था एगॉग। क्या बोला जाता था? एगॉग। एंड दूसरा है उच्च शिक्षा की संस्था। उच्च शिक्षा की संस्था जो होती थी वो कहा जाता था स्कूल ऑफ ग्रामेटिक्स। एंड तीसरा है खेल एवं स्वास्थ्य क्लबों सहित लोक स्नानागार। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि पूर्व एथेंस काल में स्नानागार को थर्म फॉर बाथ कहा जाता था, तो यहाँ पे तीसरा का तीसरा हो जाएगा। ठीक है, थर्म फॉर बाथ। एंड चौथा है इथीरियन कुश्ती स्कूल, यानी एथेंस में जो कुश्ती का स्कूल होता था उसको हम कहते थे पैलेस्ट्रा, यानी चौथा का फर्स्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे राइट हो जाएगा पहला ऑप्शन, ठीक है, क। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से रेस्पिरेटरी मसल्स किसे कहते हैं? तो रेस्पिरेटरी मसल्स किसे कहते हैं दोस्तों? यहां पे आपका सही ऑप्शन हो जाएगा इंटरकॉस्टल मसल्स। क्या है? जो फेफड़ा जो हमारा होता है, लंग्स जो होता है, वो डायफ्राम पर सदा होता है। और डायफ्राम किस मसल्स की बनी होती है? इंटरकॉस्टल मसल। जब इंटरकॉस्टल मसल्स फैलती है तो फेफड़ा नीचे चला जाता है। ठीक है, इंटरकॉस्टल मसल जब फैलती है तो जो डायफ्राम होता है वो नीचे चला जाता है और फेफड़े में बहुत सारा जगह हो जाता है फेफड़े में। और जैसे ही बाहर की वायु जो है अंदर आती है उसको इंस्पायरेशन कहते हैं। और जब इंट्रोकॉस्टल मसल सिकुड़ती है तो डायफ्राम ऊपर चला जाता है और जो फेफड़ा होता है वो उसमें कम जगह बचता है, इसके कारण वो हवा जो है बाहर निकलती है, उसको हम कहते हैं एक्सपायरेशन। जैसे आप गुब्बारे को देख लीजिए, गुब्बारे में जब गुब्बारा फैलता है, जब आप हवा भरते हैं तो फैल जाता है, जब गुब्बारे को हम दबाते हैं तो वो बाहर निकलता है हवा। उसी प्रकार हमारा फेफड़ा और इंटरकॉस्टल मसल भी कार्य करता है। नेक्स्ट है मांसपेशीय क्रियापूर्तियां निर्भर है। तो दोस्तों मांसपेशीय क्रियापूर्तियां किस पर निर्भर है? तो दोस्तों तंत्रिका एवं रक्त संचरण सप्लाई पर, ब्लड सप्लाई पर, सप्लाई पर। जब तक हमारा नर्वस सिस्टम सीख नहीं रहेगा, नर्वस सिस्टम हमको आदेश देता है, जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, जैसे कि सेंसरी न्यूरॉन एंड मोटर न्यूरॉन्स होता है। सेंसरी न्यूरॉन्स का काम होता है सूचनाओं को मस्तिष्क तक पहुंचाना और मोटर न्यूरॉन्स का काम होता है मस्तिष्क से सूचनाओं को अंगों तक पहुंचाना। जब मोटर न्यूरॉन हमारे अंगों को सूचना प्रदान करती है तब हमारा अंग यानी मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, इसके लिए ब्लड सप्लाई आपका अच्छा होना चाहिए। जितना अच्छा ब्लड सप्लाई होगा दिमाग में, ब्लड उतना अच्छा जाएगा और हमारा दिमाग उतना ही काम करेगा, नर्वस सिस्टम उतना ही काम करेगा। तो नर्वस सिस्टम एंड ब्लड सप्लाई मांसपेशी क्रिया इस पे पूर्ण निर्भर करते हैं। जैसे आपको कोई पुस्तक उठाना है, कोई ग्लास उठाना है, तो आप नहीं उठा रहे, असल में उठा रहा है आपका नर्वस सिस्टम। कौन उठा रहा है? नर्वस सिस्टम। तो जैसे ही आपको एक ग्लास उठाना है या पुस्तक उठाना है तो उस संदेश को मस्तिष्क में पहुंचा देता है सेंसरी न्यूरॉन। फिर सेंसरी न्यूरॉन उस पर प्रतिक्रिया करता है कि हाँ उठाना है। फिर मोटर न्यूरॉन उस हाथ को आदेश देता है, फिर हाथ उस नर्वस क्या कहते हैं ग्लास को उठाता है। इस प्रकार कार्य होता है मसल्स का, जैसा कि आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट है शक्ति स्पर्धा में धावक मूत्रवर्धक यानी कि ड्यूरेटिक्स मादकों का सेवन करता है। तो दोस्तों जो ड्यूरेटिक्स होता है वह भार को कम करने के लिए यानी कि वजन को कम करने के लिए किया जाता है। ड्यूरेटिक्स का प्रयोग क्या करने के लिए किया जाता है? वजन को कम करने के लिए किया जाता है। जैसा कि दोस्तों ड्यूरेटिक्स जो होता है यह भार को कम करने के लिए, डोपिंग को छुपाने के लिए और स्त्रियों के मासिक धर्म के जो डेट होता है उसको चेंज करने के लिए, समय को परिवर्तित करने के लिए, तीन चीजों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिस्पर्धा पूर्व कार्बोहाइड्रेट लोडिंग की समयावधि की आवश्यकता
घंटों में है। कोई भी प्रतियोगिता या अभ्यास करने से पूर्व कितना समय पहले कार्बोहाइड्रेट लोडिंग आप ले सकते हैं? दोस्तों इसका राइट आंसर है क, 3 से 6 घंटे पहले। ठीक है, 3 से 6 घंटे पहले आप ले सकते हैं कार्बोहाइड्रेट लोडिंग, तब आप प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। तुरंत आप लेकर के तुरंत नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन ए और आर से आपको कूट के आधार पर सही आंसर देना है। जैसा कि इस प्रकार के क्वेश्चंस आजकल बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं। अभिकथन ए है दोस्तों कि क्रेव के चक्र में एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस के दौरान निर्मित पाइरुविक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंच जाता है, इसका आगे ऑक्सीकरण होता है। जैसा कि दोस्तों मैं इस रिस्पायरेटरी सिस्टम श्वसन तंत्र में बताया है कि जब लाल रक्त कणिकाओं में जो हीमोग्लोबिन होता है वह ऑक्सीजन को लेकर के हमारे कोशिकाओं तक जाता है, कोशिका में पहुंचने के बाद कोशिका द्रव में ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया के स्वरूप 2 ATP यानी कि 2 पाइरुविक अम्ल का निर्माण होता है। वही पाइरुविक अम्ल जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में जहां पे क्रेब्स चक्र संपन्न होता है। क्रेब्स चक्र के द्वारा माइटोकॉन्ड्रिया में 2 पाइरुविक अम्ल द्वारा ऑक्सीकरण के द्वारा ऊर्जा उत्पन्न होता है, एटीपी बनता है। तो ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया में कोशिका द्रव में होता है जिसमें 2 ATP का निर्माण होता है और क्रेब्स चक्र यानी माइटोकॉन्ड्रिया में 36 ATP का निर्माण होता है। इस प्रकार पूरे कोशिकीय श्वसन के द्वारा 38 ATP का निर्माण होता है। तो यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंच जाता है पाइरुविक अम्ल, उसके बाद इसका ऑक्सीकरण होता है, जो हमारा ग्लूकोज होता है उसका ऊर्जा में कन्वर्ट होता है, ऊर्जा बन जाता है, एटीपी बन जाता है। जो हमारे शरीर में जहां जहां ऊर्जा की आवश्यकता होती है वहां वहां एटीपी सप्लाई कर दिया जाता है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल बोला जाता है, यानी कोशिका का ऊर्जा गृह बोला जाता है। आपका अभिकथन ए तो एकदम राइट है। देखते हैं अभिकथन बी, क्रेब्स चक्र के पाइरुविक एसिड के, ठीक है, क्रेब्स चक्र में पाइरुविक एसिड के ऑक्सीकरण से ऊर्जा, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। नो दोस्तों, ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया जो अनएरोबिक श्वसन होता है उसमें आपका ऊर्जा, कुछ मात्रा में ऊर्जा, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और लैक्टिक अम्ल एथिल अल्कोहल बनता है, बट क्रेब्स चक्र में माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है, लैक्टिक एसिड नहीं बनता। एरोबिक प्रक्रिया में जो एरोबिक श्वसन होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, अनएरोबिक श्वसन जो होता है वो ग्लाइकोलाइसिस कोशिका द्रव में होता है। तो अनएरोबिक में लैक्टिक अम्ल बनेगा, बट एरोबिक में माइटोकॉन्ड्रिया में लैक्टिक अम्ल नहीं बनेगा। तो दोस्तों यहां पे आपका सही हो जाएगा आंसर कि ए सही है परंतु आर गलत है। ठीक है, लैक्टिक अम्ल देखते ही आप गलत काट देंगे। इस प्रकार से आपको पहले पूरा समझना होगा फिर आंसर देना होगा। नेक्स्ट दोस्तों, द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में अवरोध यानी कि जो भार होता है किनके बीच होता है, जो रेसिस्टेंस होता है किसके बीच होता है, इसका मैंने बार बार ट्रिक आपको बताया है, एफ ए आर यानी 312। तो 2 के ऊपर क्या है, आर यानी रेसिस्टेंस यानी भार। इसका मतलब है कि जो द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है उसके बीच में रेसिस्टेंस यानी भार होता है, किसके बीच होता है, भार जो है फलक्रम यानी एक्सिस एंड फोर्स के बीच में होता है। एंड फर्स्ट प्रकार के उत्तोलक में, जैसे कि फर्स्ट के ऊपर क्या है ए, यानी फर्स्ट प्रकार के उत्तोलक में एक्सिस बीच में होता है फोर्स और रेसिस्टेंस के। एंड थर्ड प्रकार के उत्तोलक में तीसरा के ऊपर क्या है, एफ, यानी थर्ड प्रकार के उत्तोलक में एफ यानी फोर्स बीच में होता है, बल बीच में होता है एक्सिस एंड रेसिस्टेंस के। तो यहां द्वितीय प्रकार के उत्तोलक पूछा है, तो द्वितीय प्रकार के उत्तोलक जो रेसिस्टेंस यानी अवरोध यानी भार होता है वह फोर्स और फलक्रम यानी कि एक्सिस के बीच में होता है। तो आपका यहां पे राइट आंसर हो जाएगा क, फलक्रम और फोर्स यानी कि एक्सिस और फोर्स के बीच में रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा उत्तेजक पदार्थ अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा प्रतिबंधित नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पे आपका मेरा जो है ना, तो उत्तेजक पदार्थ नहीं है, ये कैनाबिनोइड्स में आता है। आपका उत्तेजक में स्टिमुलेंट्स में कोकीन, एफिड्रीन, कैफीन आता है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है
कि कौन सा उत्तेजक पदार्थ अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा प्रतिबंधित नहीं है। तो दोस्तों इसमें कोकीन एफिड्रिन है, बट कौन प्रतिबंधित नहीं है, तो कैफीन आपका प्रतिबंधित नहीं है। यहां पे आंसर दिया है कैफीन आपका प्रतिबंधित नहीं है। बट दोस्तों यहां भी आपका आंसर ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि उत्तेजक पदार्थ तो आपका प्रतिबंधित है, ठीक है। जैसे कि इसमें आपका आता है स्टूडेंट्स में एबीसीसीएम, ठीक है, इसका ट्रिक मैंने बनाया था एबीसीसीएम, यानी कि एम्फिटामाइन, कोकीन, कैफीन, एफिड्रीन, मिथाइल एक्जामिनाइन, बीटा एगोनिस्ट, ये स्टिमुलेंट्स यानी कि उत्तेजक के अंतर्गत आता है। तो यहां पे दिया है कौन सा उत्तेजक पदार्थ। जैसे कि दोस्तों आपको पता है कि जब आप डोपिंग में पढ़ेंगे तो जो कैफीन होता है वह विश्व का सबसे ज्यादा प्रसिद्ध उत्तेजक है। चाय, कॉफी, कोला, ड्रिंक्स, अन्य उत्पाद जैसे कि कोल्ड मेडिसिन, डाइट से संबंधित दवाइयां इसमें पाया जाता है। एक कप कॉफी की मात्रा में, एक कप कॉफी में 100 से 150 मिलीग्राम कैफीन पाया जाता है। अब कॉफी लेने के बाद 15 से 20 मिनट बाद उसका असर होता है। जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि पेशाब में कैफीन की मात्रा 12 यूजी प्रति एमएल से अधिक होने पर डोपिंग के अंतर्गत प्रतिबंधित किया गया है। तो ये तो आएगा दोस्तों, पता नहीं नए रूल के हिसाब से कुछ हो सकता है, बट यहाँ पे कोकीन, एफिडिन, कैफीन सभी प्रतिबंधित हैं। यहाँ पे प्रतिबंधित कौन नहीं है पूछा है, तो यहाँ पे मेरे हिसाब से मेरा जुआना हो सकता है, ठीक है, मेरा जुआना मेरे हिसाब से हो सकता है। बट यहाँ पे कैफीन आंसर दिया है, लेकिन कैफीन मेरे हिसाब से नहीं लगता है। आप लोग इसका सही आंसर ढूंढिएगा सब लोग मिलके, ठीक है, ये आप लोगों पे मैं छोड़ती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेज गति की दौड़ों में मुख्य कारक है, तेज गति की दौड़ों में मुख्य कारक है तो दोस्तों तेज गति की दौड़ों में मुख्य कारक यहां पे हो जाएगा मांसपेशी तंतु के प्रकार। जैसा कि मांसपेशी तंतु दो प्रकार का होता है, रेड मसल फाइबर एंड व्हाइट मसल फाइबर। जो व्हाइट मसल फाइबर होता है वो फास्ट ट्विस्ट फाइबर यानी जल्दी जल्दी ट्विस्ट होता है, एंड रेड मसल फाइबर जो होता है वह स्लो ट्विस्ट फाइबर यानी धीरे धीरे संकुचन होता है। तो जो तेज गति की दौड़ें होती हैं, अनैरोबिक प्रकार की क्रियाएं होती हैं, कम समय की क्रियाएं होती हैं, उसमें व्हाइट मसल फाइबर मुख्य भूमिका अदा करता है। एंड जो एरोबिक क्रियाएं होती हैं, ज्यादा समय की क्रियाएं होती हैं, सहनशीलता या एंड्योरेंस से संबंधित क्रियाएं होती हैं, उसमें रेड मसल फाइबर ज्यादा मुख्य भूमिका अदा करती हैं। तो यहाँ पे मांसपेशी तंतु के प्रकार आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक प्रक्षेपण प्रोजेक्टाइल की उड़ान केवल ऊंचाई और समय पर निर्भर करती है, तो इसका सही जवाब होगा धकेलने की शक्ति। जैसे प्रक्षेपण होता क्या है, जैसे कि आपने यहां से वस्तु फेंका, यहां पे जाके गिरा, ये प्रक्षेपण हुआ। जितनी तेज गति से आप धकेलेंगे यानी फेंकेंगे उतना ही उड़ान ऊंचाई होगा, तो यहां पे धकेलने की शक्ति आपका राइट होगा। नेक्स्ट है, किस कोण के पश्चात अतिरिक्त खिंचाव यानी हाइपर एक्सटेंशन प्रारंभ होता है। तो दोस्तों यह होता है 180 डिग्री के पश्चात। जैसे आप अपने कंधे को सीधा ऐसे किए, वो आपका हो जाएगा एब्डक्शन, ठीक है, और 90 डिग्री, ठीक है, और उससे और आगे पूरा आप एकदम कान से सटाते हुए एकदम ऊपर अपने हाथ को कर दिए, वो आपका हाइपर एक्सटेंशन यानी कि 180 डिग्री तक खिंचाव हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको सूची एक से दो में मिलाना है और सही आंसर को टिक करना है। जैसे कि पहला दिया है कब्जा संधि यानी हिंज ज्वाइंट,
ए क्या होता है, एक तल में गति होता है, जैसे दरवाजा एक तरफ मुड़ता है उसी प्रकार यह भी एक तरफ मुड़ता है, एक तल में गति होता है, कब्जा संधि यानी हिंज ज्वाइंट में जिसे कोर संधि भी कहते हैं, इसमें घुटना कोहनी एंड उंगलियों का जोड़ आ जाएगा, तो आपका पहला का पहला हो जाएगा, ठीक है, पहला का पहला हो जाएगा। एंड आपका दूसरा है अवतल यानी कि सैडल ज्वाइंट, इसमें क्या होता है, इसको परस्पर आदान प्रदान करने वाली संधि भी बोलते हैं, जैसे कि जो अंगूठा होता है सभी उंगलियों के पास चला जाता है, तो दूसरा का दूसरा हो जाएगा। एंड तीसरा है अल्पचल संधि जिसे एम्फियार्थ्रोसिस भी बोला जाता है, इसमें बहुत कम गति होती है, यहाँ पे तीसरा का तीसरा हो जाएगा, बहुत कम चलने वाली संधि हो जाएगा। एंड चौथा है बहुत चल संधि यानी डायर्थ्रोसिस ज्वाइंट, तो डायर्थ्रोसिस ज्वाइंट स्वतंत्र चल संधि को बोला जाता है, इसमें आपका स्वतंत्र गति की संधि आपका हो जाएगा। एंड आपका साइनोथ्रोसिस बोला जाता है अचल संधि को, ध्यान में रखिएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा क, सही जवाब क्या होगा क। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची एक को टू से आपको मिलाना है फिर सही उत्तर आपको देना है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। जैसा कि सबसे पहले जो आपको आ रहा है उसको मिलाइए, उसके बाद आपका आंसर सही आ जाएगा। तो दोस्तों देखते हैं, सबसे पहले आप जिज्ञासा को देखिए, जिज्ञासा आप सबको पता होगा, किसी भी चीज को देखकर एकाएक जिज्ञासा यानी आश्चर्य, वो उसको जानने की इच्छा हो, तो आश्चर्य आपका हो जाएगा, जिज्ञासा का क्या हो जाएगा, आश्चर्य हो जाएगा। फिर दोस्तों वातावरण यानी कि इन्वायरमेंट को हम पोषण कहते हैं, इसी से पोषण होता है इंसान का, जैसे कि नेचर और नर्चर आप जानते हैं, प्रकृति एवं पोषण, तो पोषण को वातावरण कहते हैं। ये आपका दो हो गया, यानी कि तीसरा का चौथा हो गया और चौथा का पहला, तीसरा का चौथा और चौथा का पहला कहाँ दिया है, क और घ दोनों में दिया गया है। अब देखते हैं कौन सा सही होता है। भूख, भूख आपका क्या होता है दोस्तों, एक सामाजिक चालक होता है, आपको चलाने वाला चालक होता है भूख, ठीक है, तो ये सामाजिक चालक आपका राइट हो जाएगा एक का थ्री। तो आपका कौन सा ऑप्शन बन रहा है क, कौन सा ऑप्शन बन रहा है, यहाँ पे क राइट हो जाएगा, कौन सा एक का थ्री नहीं दोस्तों, घ, घ राइट हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, घ राइट हो जाएगा। तो एक का थ्री यानी कि भूख का सामाजिक चालक, एंड दो का दो ही होगा, दो है आपका सुसामाजिकता, इसमें अनसीखे आशा यानी कि मोटी आएंगे, ठीक है। तीसरा है जिज्ञासा जिसका आश्चर्य होगा, वातावरण का पोषण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो दोस्तों आपको देखना है कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है। तो पहला है काइफोसिस जिसको कुबड़ा भी बोलते हैं, पीछे का भार बाहर की तरफ उठ जाता है, तो कन्वेक्सिस, कन्वेक्सिटी ऑफ थोरेसिक रीजन ऑफ स्पाइन, ये राइट है। एंड दूसरा है लार्डोसिस, तो इनवर्ट, लार्डोसिस में क्या होता है, इनवर्ड कर्वेचर ऑफ स्पाइन, इनवर्ड यानी कि बीच में गड्ढा हो जाता है कमर वाले भाग में, ठीक है, तो ये लार्डोसिस कहलाता है, ये भी राइट है। एंड दोस्तों तीसरा है स्कोलियोसिस, एग्जेजरेशन ऑन नॉर्मल कन्वेटी ऑफ लंबर रीजन, तो नहीं दोस्तों, लंबर रीजन में नहीं, कमर में नहीं, पूरे स्पाइनल कार्ड में जो रीढ़ की हड्डी होती है ऊपर की तरफ एक तरफ और हिप यानी कुल्हे की तरफ एक तरफ झुक जाता है, एकदम सर्प की तरह सी आई एस का आकृति बनाता हो, स्कोलियोसिस होता है। तो यहाँ पे कौन नहीं है सुमेलित, आपका ग ही हो जाएगा, स्कोलियोसिस आपका सुमेलित नहीं है, ठीक है, इसमें पार्श्व विचलन हो जाता है स्कोलियोसिस में, ठीक है, धड़ एक तरफ और हिप एक तरफ ऐसे झुक जाता है। एंड चौथा है फ्लैट फुट जिसे पैर में उचित चाप का होना, ठीक है, चाप का ना होना यानी कि पैर जो है वो समतल हो जाता है। नेक्स्ट है अभ्यास और त्रुटि यानी ट्रायल एंड एरर्स अधिगम को यह भी कहते हैं, इस सिद्धांत को दिया था थार्नडाइक ने, ट्रायल एरर यानी कि अभ्यास और त्रुटि सिद्धांत, इसको, इस ट्रायल एरर
सिद्धांत को यह भी कहते हैं। तो और कुछ नाम से जाना जाता है इसको, तो मूल्य प्रवृत्ति अधिगम के नाम से भी इसको जाना जाता है। नेक्स्ट है, जब कोई टेनिस खिलाड़ी गोल्फ सीखने का प्रयास करता है तो वह है, इसका सही आंसर आपने दे दिया होगा दोस्तों, प्रशिक्षण के स्थानांतरण से यह क्वेश्चन है। जैसा कि जब कोई पहले से सीखा हुआ कार्य नए कार्य सीखने में आपकी सहायता करे तो वो सकारात्मक स्थानांतरण होता है। तो यहाँ पे टेनिस खिलाड़ी जो है गोल्फ सीखने का प्रयास कर रहा है तो यहाँ पे सकारात्मक स्थानांतरण होगा। क्या होगा? सकारात्मक स्थानांतरण होगा। और जब पहले से सीखा हुआ ज्ञान जो है नए कार्य सीखने में बाधा उत्पन्न करे तो वो नकारात्मक यानी ऋणात्मक स्थानांतरण होता है। एंड जब पहले से सीखा हुआ ज्ञान नए कार्य सीखने में न बाधा उत्पन्न करे और न ही सहायता करे तो वो होता है शून्य स्थानांतरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीम के खिलाड़ियों में अंतर वैयक्तिक झगड़ों का प्रायः कारण होता है। तो उसमें है सद्भावना, कौशल्य स्तर, प्रयास, तो यहां पे उपरोक्त सभी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन ए और तर्क आर दिया गया है, इसके आधार पर आपको क्वेश्चन का चयन करना है। अभिकथन ए है दोस्तों कि व्यावसायिक खेलों का प्रबंधन फुटबॉल, बास्केटबॉल अथवा बेसबॉल सरीखे खेलों के लिए खिलाड़ियों को बहुत उच्च वेतन देकर भर्ती करते हैं। ठीक है, बहुत उच्च वेतन देकर भर्ती करते हैं, तो ये तो राइट प्रतीत हो रहा है। बट देखते हैं आर में क्या है, कि आर में है कि उपरोक्त कथन से यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि खिलाड़ी केवल धन के लिए खेलते हैं। तो ऐसा तो निष्कर्ष हम निकाल नहीं सकते हैं कि सभी खिलाड़ी धन के लिए खेलते हैं, कोई एक खेल सकता है। तो यहाँ पे आर आपको गलत नजर आ रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा ग, ए सही है बट आर गलत है। अभी कथन वाले क्वेश्चन को थोड़ा दिमाग लगा के आंसर देना होता है, आसानी से आ जाता है। नेक्स्ट, शारीरिक शिक्षा पाठ्यक्रम की पूर्ति के लिए कौन सी सुविधा अधिक आवश्यक है? तो शारीरिक शिक्षा पाठ्यक्रम की पूर्ति करना है तो कौन सी सुविधा आपको आवश्यक है? सिंथेटिक हॉकी मैदान की, इंडोर पिस्टल शूटिंग रेंज की, इंडोर बैडमिंटन हॉल की, इंडोर बहुउद्देशीय हॉल यानी मल्टीपर्पज हॉल। तो यहाँ पे आपने पॉजिटिव आंसर दे दिया होगा, यहाँ पे मल्टीपर्पज हॉल यानी कि इंडोर बहुउद्देशीय हॉल आपको होना चाहिए। नेक्स्ट है, अंतर सदनीय प्रतियोगिता यानी इंट्राम्यूरल कंपटीशन, जो एक चार दीवारी के अंदर होता है, एक विद्यालय या महाविद्यालय या विश्वविद्यालय स्तर पर होता है। ठीक है, यहाँ पे किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो विद्यालय स्तर पर भी, महाविद्यालय स्तर पर भी, विश्वविद्यालय स्तर, तीनों स्तर पर यह महत्वपूर्ण है। तो उपरोक्त सभी आपका राइट हो जाएगा, उपरोक्त सभी आपका राइट हो जाएगा। लेकिन ये होता क्या है, अगर विद्यालय स्तर पर हो रहा है तो अपने ही विद्यालय के अंदर बच्चों के बीच होगा। ठीक है, महाविद्यालय में हो रहा है चाहे विश्वविद्यालय में, तो अपने ही विद्यालय के चार दीवारी के अंदर जो होता है उसको कहते हैं इंट्रामुरल कंपटीशन। एंड एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय यानी कि दूसरे विद्यालय के बीच जब कंपटीशन होता है उसको कहते हैं एक्स्ट्रामुरल कंपटीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक सोपान यानी कि इंटरनल स्टेयर में बाल्यावस्था चाइल्डहुड की अपेक्षा वृद्धि की गति होती है। तो यहां पे राइट आंसर हो जाएगा क, धीमी गति। नेक्स्ट है, सूची एक को दो से आपको मिलान करना, उसके बाद सही आंसर देना है। तो यहां पे आपको देखना है कि समय सारणी क्या है, टाइम टेबल। तो टाइम टेबल का आपका हो जाएगा फोर, यानी कि किसी के द्वारा किया गया और कब किया गया, किसी के द्वारा क्या किया गया और कब किया गया दर्शाता है टाइम टेबल। टाइम टेबल में अक्सर आप तो यही कहते हैं कि इतना समय ए किया गया, इतना समय ए किया गया, यही दर्शाता है आपका टाइम टेबल। दूसरा है सिलेबस यानी अभ्यास, अभ्यास क्रम। सिलेबस यानी अभ्यास क्रम जो होता है इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा थ्री। ठीक है, इसका हो जाएगा थ्री, सिलेबस यानी अभ्यास क्रम का हो जाएगा थ्री, कि विषय वस्तु की रूपरेखा।
जो भी विषय वस्तु की रूपरेखा आपने कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप देखते हैं कि उसका रूपरेखा क्या है, सिलेबस क्या है, तो विषय वस्तु की रूपरेखा होता है सिलेबस। तीसरा है पाठ्यक्रम यानी क्यूरिकुलम, ठीक है, पाठ्यक्रम यानी क्यूरिकुलम, तो इसका हो जाएगा टू, पाठ्यक्रम यानी क्यूरिकुलम का हो जाएगा टू, यानी सभी ज्ञान अनुभव का समावेश वाला एक दस्तावेज जो विद्यार्थी को दिया जाता है कि ये पाठ्यक्रम तुम्हारा है, ठीक है। एंड चौथा है व्यवसायिक नीति शास्त्र, प्रोफेशनल इथिक्स, इसका आपका हो जाएगा वन, इसका हो जाएगा वन, यानी कि एक संस्था द्वारा पढ़ाई का अभ्यासक्रम पेश करना होता है व्यवसायिक नीति शास्त्र। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ग राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ग जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि व्यक्ति के स्वास्थ्य को प्रभावित करने का महत्वपूर्ण कारक कौन सा है। तो व्यक्ति को स्वास्थ्य को प्रभावित करने का महत्वपूर्ण कारक है दोस्तों सकारात्मक जीवन शैली, पॉजिटिव लाइफ स्टाइल आपका रहेगा तो आप बहुत बेहतर ढंग से आप स्वस्थ रहेंगे, सभी कार्य आप बेहतर ढंग से करेंगे। नेक्स्ट है मछली में पाया जाने वाला महत्वपूर्ण आहारी तत्व क्या है दोस्तों, तो यह ओमेगा थ्री, ये फैट, ये एक आपका सैचुरेटेड फैट के अंतर्गत आता है, आपके शरीर के लिए लाभदायक होता है, एक कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, यानी कि एलडीएल और एचडीएल होता है, एलडीएल कम करता है, एचडीएल की मात्रा बढ़ाता है, हाई लिपोप्रोटीन प्रोटीन का, ठीक है, एलडीएल और एचडीएल, ठीक है, एलडीएल लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, एचडीएल हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, एचडीएल की मात्रा हमारे शरीर के लिए लाभदायक है, एचडीएल की मात्रा हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। नेक्स्ट है वायु दिशा सूचक यंत्र को क्या कहा जाता है दोस्तों, वायु की गति मापने को विंड गेज कहते हैं और वायु की दिशा मापने को विंड वेंड गेज कहा जाता है, तो यहां पर ऑप्शन नंबर क राइट हो जाएगा, विंड वेंड गेज। नेक्स्ट है भारत में 2009 में फैलने वाला संक्रामक रोग था, तो वह था H1N1। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा सुमेलित है, तो यहां पे आपका जैसे कि दिख रहा है आंख का संक्रमण ट्रेकोमा कहलाता है, ये आपका सुमेलित है और सभी सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट दोस्तों अधिभार यानी ओवरलोडिंग के सिद्धांत क्या है, ओवरलोड मतलब जितना सामान से अधिक ज्यादा भार हो गया तो ओवरलोड हो गया, यानी भार सामान से अधिक होना ही ओवरलोड होता है, इसमें हानिकारक प्रभाव पड़ जाता है। एक आपका प्रशिक्षण भार होता है ट्रेनिंग लोड, वो आपका सही होता है, उसकी परफॉर्मेंस को बढ़ाता है, बस ओवरलोड आपका सही नहीं होता, आवश्यकता से अधिक भार आपका सही नहीं होता। नेक्स्ट है आइसोटोनिक कंट्रक्शन को यह भी कह सकते हैं, तो दोस्तों यहां भी देखिए इस ऑप्शन को आइसोटोनिक कंट्रक्शन को हम डायनेमिक कंट्रक्शन कहते हैं, बट आइसोटोनिक कंट्रक्शन दो प्रकार का होता है, कंसेंट्रिक कंट्रक्शन और इंसेंट्रिक कंट्रक्शन, तो यहां पे आइसोटोनिक कंट्रक्शन को हम कहते हैं गतिशील संकुचन यानी कि डायनेमिक कंट्रक्शन, ठीक है, और यह दो प्रकार का होता है, कौन, कंसेंट्रिक कंट्रक्शन एंड इसेंट्रिक कंट्रक्शन, तो यहाँ तीन तीन ऑप्शन दिया हुआ है बट आपका राइट हो जाएगा डायनेमिक कंट्रक्शन, ठीक है, यह भी कहते हैं, ठीक है। अब कितने प्रकार का होता है, तो दो प्रकार का, कंसेंट्रिक और इसेंट्रिक, ठीक है, कंसेंट्रिक और इसेंट्रिक, आइसोटोनिक में क्या होता है कि तनाव सेम बना रहता है, पेशी लंबी और छोटी होती है, छोटी बड़ी होती है, गति स्पष्ट दिखाई देती है, और आइसोमेट्रिक में क्या होता है कि पेशियां लंबी और छोटी नहीं होती है, जैसे कि दीवार को धक्का मारना उसमें कोई आपको गति होती हुई दिखाई नहीं देती है। आइसोकाइनेटिक में क्या होता है कि सेम गति होती है और यह मशीनों द्वारा उपकरणों द्वारा किया जाता है, पानी के वाले खेलों में ज्यादा किया जाता है, जैसे रोइंग हो गया एंड तैराकी हो गया, इस सब में किया जाता है। नेक्स्ट है निम्न में से हेप्टाथलॉन में कौन सी स्पर्धा सम्मिलित नहीं है, तो दोस्तों जैसा कि हेप्टाथलॉन महिलाओं के लिए है, इसमें 7 इवेंट होते हैं, प्रथम दिन 4, दूसरे दिन 3 इवेंट होते हैं, ठीक है, 3 ट्रैक और 4 फील्ड इवेंट होते हैं, जिसमें से पहले दिन जैसे कि इसका ट्रिक है कि 100 मीटर
का ऊंचा गोला 200 में खरीदा और बेचने पर लाभ 800 हुआ। 100 मीटर का ऊंचा गोला यानी 100 मीटर, पहले दिन आपका 100 मीटर बाधा दौड़, ऊंचा गोला यानी ऊंची कूद, गोला यानी गोला फेंक, 200 यानी कि 200 मीटर दौड़, ये चार हो गया आपका पहले दिन। यहाँ पे ऊंची कूद है, 200 मीटर भी है, एंड दूसरे दिन का ट्रिक है कि बेचने पर लाभ 800 का हुआ। तो लाभ से लंबी कूद, बहुत से भाला फेंक आपका है, ठीक है, एंड बेचने पर लाभ 800 का हुआ, लंबी कूद, भाला फेंक, 800 मीटर दौड़ दूसरे दिन का है। तो यहाँ पे तस्तरी फेक आपका नहीं है, ठीक है, डिस्कस थ्रू यहाँ पे आपका हेप्टाथलान का नहीं है। दोस्तों डेकाथलान, हेप्टाथलान, पेंटाथलान, ट्राइथलान चारों के बारे में कंबाइंड इवेंट वाले एथलेटिक्स के प्लेलिस्ट में जाइए और सभी को डिटेल में जानिए, प्रोटिक के साथ मैंने बताया हुआ है, एक बार देख लेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन से खेल में खेल के दौरान टाइम आउट का प्रावधान नहीं होता है। दोस्तों फुटबॉल जो है, फुटबॉल में कोई भी टाइम आउट नहीं होता है, 45-45 मिनट के दो हाफ होते हैं, 90 मिनट का गेम होता है, 15 मिनट का आपका मिड यानी कि मध्यांतर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची एक को दो से आपको मिलाना है, फिर राइट आंसर आपको देना है। तो यहां पर आपका हो जाएगा बैडमिंटन जो है दोस्तों किससे रिलेटेड है, यहाँ पे टेस्ट के बारे में दिया गया है। तो बैडमिंटन है लोकार्ट एमसी फेरसन टेस्ट, एंड हॉकी है आपका हरबंस सिंह टेस्ट, एंड वॉलीबॉल रसल लैंच टेस्ट, एंड शारीरिक स्वास्थ्य है फ्लीसमैन बैटरी। जैसा कि इन सभी टेस्ट के बारे में मैंने डिटेल में बताया हुआ, आप टेस्ट एंड मेजरमेंट वाले प्लेलिस्ट में जाइए और सभी खेलों के सभी टेस्टों को डिटेल में जानिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका घ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुसंधान यानी रिसर्च में विवरणात्मक यानी डिस्क्रिप्टिव अध्ययन विवरण और विश्लेषण करता है, तो वह वर्तमान अवस्था का करता है। किसका अध्ययन करता है, विवरण किसी चीज का विवरण आप करते हैं तो वर्तमान अवस्था का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि अंकों का वितरण एक रूपीय सिमेट्रिकल हो तो इसका मध्य यानी कि मीन और माध्यिका यानी मीडियन होगा, तो इसका होगा बहुलक आच्छादित। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची एक को दो से आपको मिलाना है, फिर सही आंसर देना है। मांसपेशियों से रिलेटेड है कि हेमस्ट्रिंग मसल्स कहां पे पाई जाती है। दोस्तों हेमस्ट्रिंग मसल्स कहां पे पाई जाती है, तो यहां जांग के पीछे पाई जाती है, ठीक है, जांग के पीछे हेमस्ट्रिंग मसल्स, और जांग के आगे वाले भाग में क्वाड्रिसेप्स होती है, तो क्वाड्रिसेप्स दिया नहीं है, हेमस्ट्रिंग जांग के पीछे है, ठीक है, यहाँ पे जांग का पास भाग यानी बैक भाग हो जाएगा। एंड ग्लूटियस मसल्स कहां पे पाई जाती है दोस्तों, कुल्हे यानी हिप में, यह शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी है। एंड लैटिमस डोर्सी कहां पे पाई जाती है दोस्तों, हमारे पीठ में कमर के ऊपर पाई जाती है, तो पार्श्विक यहाँ पे पार्श्विक रूप से पीछे आपका हो जाएगा दू। एंड गैस्ट्रोनेमियस कहां पे पाई जाती है दोस्तों, जिसे हम कॉफ मसल्स भी कहते हैं, जो घुटने के नीचे वाला भाग होता है उसके पीछे जो उठा हुआ भाग होता है पिंडली, जिसे कॉफ मसल्स कहते हैं, तो इसका आपका हो जाएगा पिंडली यानी कॉफ मसल्स। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा ग, आप मिला सकते हैं। एंड दोस्तों इसके अलावा आपको कौन सी मसल्स कहां पे है, जैसे कि आपका बाइसेप्स मसल्स जो है ह्यूमरस हड्डी के ऊपर, एंड ट्राइसेप्स ह्यूमरस हड्डी के पीछे है, डेल्टाइस कंधे में है, पेक्टोरलिस मेजर आपके सीने के पास है, ठीक है, ये सभी मांसपेशियों आपको याद रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस कमेटी के सुझाव पर 1957 में लक्ष्मीबाई सारी शिक्षा महाविद्यालय की स्थापना ग्वालियर में की गई, तो दोस्तों यह ताराचंद कमेटी के सुझाव पर किया गया था। किसकी सुझाव पर, ताराचंद कमेटी के सुझाव पर दोस्तों, विशेष रूप से ये सब क्वेश्चन इस समय आ रहे हैं, जैसा कि आपने एमपीटेट दिया होगा, तो एनएसएनआईएस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, मतलब सभी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो इसलिए आपको छोटे छोटे पॉइंट को याद रखना है। नेक्स्ट दोस्तों निम्न में से कौन सा परीक्षण कार्डियोवैस्कुलर सहनशीलता का परीक्षण नहीं है,
तो सबसे पहले हम जानेंगे कौन है। तो टोटल पल्स रेटियो टेस्ट, ये आपका कार्डियो रिस्पिरेटरी एंड्योरेंस क्षमता परीक्षण है। हार्वर्ड स्टेप टेस्ट भी है, रन वॉक परीक्षण भी है, लेकिन फिलिप्स जेसीआर परीक्षण नहीं है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा प्रबंधन का कार्य नहीं है? तो कौन सा प्रबंधन का कार्य नहीं है आपको देखना है यहाँ पे, तो योजना बनाना है, निर्देशन देना है, समन्वय यानी कोऑपरेशन करना है, बट यूनियन नेतृत्व यहाँ पे नहीं होगा। नेक्स्ट दोस्तों, भागीदारी यानी पार्टिसिपेटिव प्रकार के नेतृत्व यानी लीडरशिप में क्या होता है? तो यहाँ पे होगा राइट आंसर आपका घ, यानी कि जो अधीनस्थ होते हैं उन सबको निर्णय लेने में साथ जोड़ा जाता है। भागीदारी का मतलब जितने लोग भागीदारी दिए हैं, कोई निर्णय लिया जा रहा है, सभी लोग अपना अपना मत देंगे, ठीक है, ये नहीं कि कोई एक निर्णय ले लेगा, ठीक है। नेक्स्ट है, एक अच्छे परीक्षण के अंगों के अवरोही यानी डिसेंडिंग महत्व का क्रम क्या है? अवरोही यानी कि घटते क्रम में, बड़ा से छोटा, सबसे पहले उसके बाद सबसे बाद में, तो यहां पे आपका राइट हो जाएगा दोस्तों, यहां पे राइट हो जाएगा गो, यानी कि मैंने आपको बताया है कि किसी भी परीक्षण की माप के लिए अच्छे परीक्षण के क्राइटेरिया आपका होना चाहिए वैधता, वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता, अप्रशासनिक क्षमता, इसका सीक्वेंस है। सबसे पहले वैधता यानी कि उसकी वैलिडिटी चेक किया जाएगा कि जिस परीक्षण को हम जिस लिए बनाए हैं क्या उसी चीज को माप रहा है, तब कहेंगे कि हाँ वो वैध है। वस्तुनिष्ठता यानी कि एक वस्तु को ऑब्जर्वेशन के लिए बहुत से एक्सपर्ट को बुलाया जाता है, सभी एक्सपर्ट एक ही जवाब देंगे तो माना जाएगा कि हाँ वो वस्तुनिष्ठ है। विश्वसनीयता यानी रिलायबिलिटी, यानी उसका बार बार परीक्षण किया जाएगा, हर बार रिजल्ट एक ही आएगा तो माना जाएगा वो रिलायबल है। और प्रशासनिक क्षमता उसमें होना चाहिए। नेक्स्ट है, न्यूनतम प्रश्वास यानी मैक्सिमम इंस्पायरेशन, यहां पे न्यूनतम नहीं होना चाहिए दोस्तों, अधिकतम होना चाहिए, ठीक है, यहां पे गलत छप गया है। मैक्सिमम, यहां पे इंग्लिश वर्जन देखिए, मैक्सिमम इंस्पायरेशन के बाद छोड़ी गई वायु की महत्तम मात्रा क्या है? तो जितना हम जोर से सांस लेते हैं उसके बाद इंस्पायरेशन करते हैं, उसके बाद जितना जोर से छोड़ी गई वायु की मात्रा होती है उसको कहते हैं वाइटल कैपेसिटी। क्या कहते हैं? वाइटल कैपेसिटी। और टाइडल वॉल्यूम क्या है? जो सामान्य अवस्था है हम सांस छोड़ रहे हैं और ले रहे हैं उसको टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। तो वाइटल कैपेसिटी जो होता है वह होता है 4600 ml, ठीक है, यानी कि 4.6 लीटर होता है। इसके बारे में मैंने श्वसन तंत्र के अंतर्गत वीडियो अच्छे से बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है, आंतरिक शरीर वृत्तीय यानी कि इंटरनल फिजियोलॉजिकल में साम्यावस्था और संतुलन अवस्था यानी कि स्टेट ऑफ बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम को कहते हैं। तो दोस्तों इसको हम कहते हैं, इसको हम कहेंगे दोस्तों, यहां पे गलत आंसर दिया है, चाहे मेटाबॉलिज्म में प्रक्रिया तो नहीं हो सकता, इंटरनल फिजियोलॉजिकल स्टेटिक एंड बैलेंस इक्विलिब्रियम अवस्था को कहते हैं होमियोस्टेसिस। क्या बोला जाता है यहाँ पे? होमियोस्टेसिस राइट होगा, बट यहाँ पे आंसर मेटाबॉलिज्म दिया है, लेकिन यहाँ पे होमियोस्टेसिस दिएगा, यानी कि आपको यदि कोई भार दिया जाता है, इंटरनल आपको दर्द होता है, पेन होता है, बार बार आपको भार दिया जा रहा है, उस चीज को आपके अंदर सहन करने की या बैलेंस करने की क्षमता आ जाती है, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होता है, उसी को कहते हैं होमियोस्टेसिस स्तर। क्या कहते हैं? होमियोस्टेसिस स्तर, यानी कि आप उस चीज में अभ्यस्त हो गए, शुरुआत में आपको पेन हो रहा था, दर्द हो रहा था, बट आपको कोई दिक्कत नहीं है, यानी आप होमियोस्टेसिस लेवल पर पहुंच गए। नेक्स्ट है, 110 मीटर हर्डल रेस में प्रारंभिक रेखा से प्रथम हर्डल की दूरी है। तो 110 मीटर रेस, हर्डल रेस आपका पुरुषों के लिए होता है, इसमें प्रारंभिक रेखा से प्रथम बाधा की दूरी 13.72 मीटर होता है, एंड 100 मीटर में आपका होगा 13 मीटर, एंड 400 मीटर महिला पुरुष दोनों के लिए 45 मीटर होगा। नेक्स्ट है, आपको सूची 1 से 2 से मिलान करना है एंड सही उत्तर देना है। तो यहां पे आपका है टी परीक्षण, तो टी परीक्षण है, इसका 2 हो जाएगा
राइट कि दो समूहों में अंतर जानने की एक सांख्यिकी यानी स्टैटिक विधि है टी परीक्षा। कई बार पूछा गया है टी टेस्ट क्या है, तो दो समूहों में अंतर को जानने की एक सांख्यिकी विधि है टी परीक्षण, ठीक है। एंड दूसरा है अनुमान, तो दूसरा का आपका हो जाएगा तीसरा, यानी कि कुछ अधिक बड़े समूहों के परिणामों का साधारणीकरण। एंड तीसरा है सैंपल, तीसरा है सैंपल, यहां पे हो जाएगा आपका सैंपल, यानी कि बहुत बड़ा समूह जिसे सैंपल को लिया जाता है, यहां पे ए होना चाहिए। एंड जनसंख्या है सहभागियों का समूह जिस शोध के लिए बड़ी जनसंख्या को चुना गया है, तो आपका राइट हो जाएगा एक का आपका दो हो गया, और दो का तीन हो गया, और थर्ड का फोर्थ हो गया, और फोर का ए, आपका क होना चाहिए, ठीक है, क आपका राइट है होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बौद्धि लब्धि यानी कि IQ इंटेलिजेंस क्वोटेंट मापने का फार्मूला क्या है दोस्तों। यहां पे ऑप्शन ही नहीं दिया है, क सभी गलत ऑप्शन है। इसका सूत्र होता है MA बट्टा CA गुणे 100, ठीक है, यानी कि मेंटल एज अपन क्रोनोलॉजिकल एज गुणे 100 IQ को मापने का सूत्र होता है। मेंटल एज यानी कि मानसिक आयु अपन क्रोनोलॉजिकल एज यानी कि शरीर रचना आयु गुणे 100, ये आपका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों ये था 50 क्वेश्चन जो आपके लिए कुछ टफ क्वेश्चन थे आज, बट इसी तरह क्वेश्चन का आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आप परफेक्ट हो पाएंगे। सभी क्वेश्चंस आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थे। जिस भी क्वेश्चन में कोई डाउट होगा तो हम लोग मिलकर उसको सॉल्व करेंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसका क्वेश्चन का आंसर ढूंढना मुश्किल होता है दोस्तों, तो उसको कई जगह से हम लोग राइट करने की कोशिश करेंगे सब लोग मिलकर के। तो दोस्तों आई होप कि सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। जो भी डाउट होगा कमेंट में बताइए, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए दोस्तों, जिससे और लोगों के पास ये वीडियो पहुंच सके। एंड तो दोस्तों फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे न्यू वीडियो का अपडेट इसी तरह आपको पहुंचता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।